अरे छाती वाला ये बारिश के वजह से इसलिए हमारे नसीब। सो गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज का सुबह हुआ है घर से, तो अभी तो बारिश हो रहा है ऐसे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम लोग का आज प्लानिंग था शूट पे जाने का, लेकिन सुबह से बारिश हो रहा है तो पता नहीं आज जाएंगे कि नहीं। पर यहाँ से व्यू बड़ा मस्त आ रहा है, मैं आपको दिखा, क्या मस्त व्यू है, देख रहे हैं पहाड़ का। तो जस्ट अभी मैं उठा हूँ, तो अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। अपने उनको कॉल करके पूछेंगे कि आज शूट पे जाएंगे कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग आ गए, मतलब हम लोग नहीं, मैं आ गया हूँ ब्रेकफास्ट करके, और मिठुन भी आ गया था हम लोग के घर पे। तो इसका काम ही है छाती पकड़ना ऐसे, मतलब अभी बड़े बड़े लोगों को, मतलब समझ रहे हो, इसका काम ही है ये। तो अभी चलते हैं आगे का, आज तो शूट कैंसिल ही हो गया हम लोग का बारिश की वजह से। अरे छाती वाला इधर, गजब बेइज्जती है। तो शूट तो कैंसिल ही हो गया बारिश का वजह से, तो आज शूट होगा नहीं। आज तो मौसम ही खराब है, तो देखते हैं आज का सारा दिन, मतलब हम लोग का कैसा कटता है। भाई साहब मेरा तो दिमाग ही खराब है। चुप हो जा सातवीं फेल। तो देखते हैं आज का सारा दिन हमारा कैसा कटता है, तो आप रहो। तो भरी भरी बारिश में हम घूम रहे हैं पागलों की तरह। आज शूट था, शूट हो चुका है कैंसल। इस दुख में कहीं हम मर ना जाए, और ये लड़का तो मर चुका है छोरो इसका बात। तो अभी आगे की तरफ देखते हैं, ये देखो, ये यहाँ पे ज्यादा पानी नहीं था पहले, बहुत ही कम था, मतलब पूरा नीचे का जो सरफेस है वो पूरा दिख रहा था, पर अभी सिर्फ एक दिन बारिश के वजह से देखो क्या हो गया, पूरा भर गया। वो तो देख रहे हो स्टेशन है वो हम लोग का। आगे चलते हैं, देखो भीम का घर पे चलते हैं, भीम आएगा। और हमारे यहाँ इन जैसे पागलों की मतलब कमी नहीं है, आपको इन जैसे पागल जहाँ तहाँ दिख जाएंगे। अभी हम दोनों इधर में मतलब रुके हैं, ज्यादा ही बारिश हो रहा है कुछ, तो अभी भीम भी आ रहा है, तो भीम के लिए थोड़ा वेट करते हैं। तो आज तो शूट कैंसिल ही हो गया, तो शूट तो आज होने वाला है नहीं, और बारिश भी रुक गया है पूरा। तो आज मतलब कल रात को हमने कुछ पोस्टर्स लगाया था अपने चैनल का, डीटीएक्स ब्लॉग का, तो जाके चेक करते हैं पोस्टर्स ठीक है कि नहीं, मतलब बारिश हुआ ना शायद भीग गया होगा, हम लोग को ऐसा डाउट है। तो अभी आगे जाके देखते हैं पोस्टर्स ठीक है कि नहीं। बस हमारा डायरेक्टर आ चुका है, डायरेक्टर नहीं कोरियोग्राफर हमारे दूसरे चैनल का। तो वैसे ये देखो पोस्टर का क्या हालत हो चुका है बारिश की वजह से। इस साइड का ठीक ही है, पर इस साइड का एकदम मतलब खत्म, देख लो ये पोस्टर कुछ ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, देख लो, और लगाना पड़ेगा फिर से ला करके। तो पोस्टर का हालत तो एकदम खराब, तो अब क्या कर सकते हैं, बारिश का वजह से ये सब हुआ। और दो जगह पे लगाया था, वहाँ पे भी मतलब वहाँ का थोड़ा बहुत अच्छा ही था, पर यहाँ तो मतलब खल्ला फिनिश है एकदम फटा। तो चलते हैं अभी। तो अभी आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे चंदन के साथ, उसको मतलब थोड़ा सा फिश लेना था यहाँ पे, मतलब एकदम लोकल है यहाँ से, मतलब उन लोगों ने फिश पकड़ा है इसी जो नदी है, ये नदी के साथ ही कनेक्टेड है। तो आए हैं यहाँ पे इसको। तो अभी मतलब मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ, वो ये मतलब बार में ऐसा पानी हो गया, पहले यहाँ पे पानी था नहीं, एकदम जमीन था, पूरा सख्त घास था यहाँ पे, पहले क्रिकेट विकेट होता था, पर अभी पूरा नदी का जैसा पानी हो गया, मतलब ओवरफ्लो हो गया है उस तरफ नदी है, वो उधर से घूम के आके फिर इधर, मतलब इधर से फिर जा रहा है, मतलब बीच का एरिया जो है ना नदी के बीच में आ गया एकदम। और यहाँ पे भी काफी सारे फिश भी पड़े हुए हैं, अभी ये सब देख सकते हैं फिश, जब पानी कम जाता है तब मतलब फिश जो है यहीं पे रुक जाते हैं, ये सब मतलब जा नहीं पाते, समझ रहे हो, ये घास के वजह से वो लोग मतलब बैक फिर पानी में नहीं जा सकते, तो जब पानी कमने लगता है तो यहीं पे अटक जाते हैं वो सब। और यहाँ पे कुछ बच्चे भी वहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं वहाँ पे कुछ बच्चे भी फिशिंग कर रहे हैं। तो चलते हैं अभी। चंदन तो गया घर, और यहाँ आते ही हम लोग को कुछ फिशिंग करते हुए बच्चे मिलते हैं, तो चलिए थोड़ा फिशिंग करने का मजा उठाते हैं। तो इस वाले से हम अभी देखते हैं
मछली हमारे नसीब में है या नहीं। मुझे पता है कि मेरे नसीब में कोई मछली वसली है नहीं, तो छोड़ दिया, मारना ही छोड़ दिया।